दोस्तों आज हम हैं उत्तर प्रदेश की तपोभूमि जनपद सीतापुर की पावन धरती पर। शहर के मध्य में स्थित बाबा श्यामनाथन का मंदिर जो कि करोड़ों दिलों की आस्था का प्रतीक है। यहाँ पर सावन के पवित्र माह में आस्था का सैलाब उमड़ता है। अगर हम इसके महत्व की बात करें, इतिहास की बात करें, तो ऐसा माना जाता है कि वर्ष 1800 ईस्वी में जंगल की कटाई हो रही थी, तो जंगल की कटाई के समय एक वृक्ष के नीचे बाबा गोस्वामी को एक पत्थर मिला और उस पत्थर को साधारण पत्थर समझकर उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया, तो जैसे ही पत्थर पर वार किया वैसे ही उस पत्थर से खून की धारा निकल पड़ी। तो उन्होंने सोचा कि यह साधारण पत्थर नहीं है और उसको एक चबूतरे पर स्थापित कर दिया और उसकी पूजा अर्चना करना शुरू कर दी। तभी से यह लोगों की आस्था का प्रतीक बन गया और उसके उपरांत 1870 ईस्वी में परमेश्वर गोस्वामी ने इसको एक मठिया का आकार दे दिया और तभी से यह लोगों की आस्था का प्रतीक है। यहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लोगों की मन मांगी मुराद पूरी होती है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यह मंदिर का मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की भव्य प्रतिमा स्थापित है। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर का सुंदर व मनोरम दृश्य। चलते हैं मंदिर के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे घंटे बंधे हुए हैं, जिसकी मुराद पूरी होती है वह घंटा बांधता है। और अब हम आ गए हैं मंदिर के अंदर। यह आप देख पा रहे हैं भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर स्थापित है, जिसके दर्शन मात्र से ही लोग अपने आप को धन्य समझते हैं। तो अपने वीडियो के माध्यम से आपको बाबा का दर्शन करा पा रहा हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। और यह मंदिर का सुंदर दृश्य है। आप बाबा श्यामनाथन मंदिर का दीदार कर पा रहे हैं। अपने वीडियो के माध्यम से आपको बाबा श्यामनाथन मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ। और यह मंदिर के पीछे का दृश्य है। पीछे एक बहुत ही सुंदर सरोवर है जिसमें भगवान शिव की भव्य प्रतिमा स्थापित है, जो बहुत ही अद्भुत व मनोरम है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।